असलम दोस्तों उम्मीद करता हूँ फिटफाट होंगे मज़े में होंगे मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद आज एक नई वीडियो के साथ रीसेंटली एक भाई ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और ये इशू काफ़ी सिवेर है तो आपके साथ भी ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर प्याज में इस तरह का इशू आ रहा है तस्वीरें आपके पास पीछे नज़र आ रही होंगी आपको अगर आपको इस तरह प्याज में इशू आ रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक है और इसको कैसे कंट्रोल करना है आज की वीडियो में हम जानेंगे वीडियो के साथ जुड़े रहें सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अगर किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट किया करें वीडियो को ताकि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उस पर हम वीडियो बना सकें वीडियो के साथ जुड़े रहें बिसमीम वीडियो को शुरू करने से पहले आज की एक अच्छी बात ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये हमने अपनी किताबों में काफ़ी दफा है लेकिन बिलीव करें ईमानदारी एक सच में एक अच्छी पॉलिसी है ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है अगर आपका ये एक करेक्टर बन जाए ईमानदारी तो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो आप उसमें कभी भी नाकाम नहीं होंगे और कोशिश करें कि आप जिस भी शोबे से हैं उसमें अपनी ईमानदारी को अपनी आदत बनाएं अपनी ऐसी अहमियत बना लें कि कभी भी जो भी हो जाए आप इस चीज़ को ना छोड़िएगा क्योंकि ईमानदार इंसान कभी नाकाम नहीं होता तो कोशिश करें जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस शोबे में भी आप हैं उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहें अगर वीडियो शुरू करते हैं प्याज बारिश के बाद बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं प्याज के और काफ़ी फार्मर्स के किस्म के इशूज़ आ रहे हैं तो सब इशूज़ पर इनशाला वीडियो बनाऊँगा और इन ईशूज़ पर मैं वीडियोज़ बना भी चुका हूँ लेकिन नई वीडियोज इसलिए बनाता हूँ हो सकता है कुछ नई तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कौन सी बीमारी है तो आज ये जो मसला अब आप आपको नज़र आ रहा है प्याज का ये एक्चुअल में एक बैक्टीरियल इशू है और ये एक ऐसी बीमारी है कि ये रातों रात आपकी पूरी की पूरी खेत को तबाह कर सकती है ये ऐसी बीमारी है और ज़्यादातर जब मौसम अचानक से ऐसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तभी इसका अटैक ज़्यादा होता है लेकिन इसका अटैक ज़्यादातर देसी वैराइटीज़ पर होता है जो हमारी लोकल वैराइटीज़ हैं उन पर इसका अटैक ज़्यादा देखा गया है बनिस्पत हाइब्रिड वैराइटीज़ पर हाइब्रिड वैराइटीज़ में इसका इसकी रेशो दस परसेंट हो सकती है ज़्यादा नहीं और जो नॉन हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं आप उसमें आप देख सकते हैं अगर आपके एरिया में देसी प्याज लगा हुआ है तो वहाँ अगर हो सकता है मौसम इसको सूटेबल हो तो नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि ये बीमारी आपके खेत में आ जाए अगर इसके स्पोर्स पिछले सालों में इस खेत में मौजूद थे तो फिर बहुत सारे चांसेस हैं इस बीमारी की पहचान ये है कि इसमें पौधा जो है ना ऊपर से गलना शुरू हो जाता है आपको ऐसे लगता है पौधा ऊपर से गल रहा है और गले हुए गड़े गले हुए जो चीज़ों की स्मेल है ना जिस तरह गले गली हुई चीज़ होती है उस तरह की स्मेल आपके पौधों में से आना शुरू हो जाती है तो आप जब पौधे को खाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर पौधे जो है ना आपके हाथ में रह जाएंगे या अंदर से वाटर जिस तरह पानी से भरे हुए होते हैं इस तरह के आपको लगेगा जैसे पानी से पूरा भरा हुआ है बल्ब इसका सेंटर से इसके अंदर पानी भर जाता है और ये टोटली जो है गल सड़ जाता है इसकी कोशिश करनी है कि आपको अगर एक पौधा भी अपने खेत में ऐसा नज़र आया सडन आपने विजिट किया और आपको नजर आया कि आपके खेत में एक आध पौधा जो है ना ऐसे डैमेज है तो आपने इसमें देर नहीं लगानी और ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें सोचने का टाइम भी नहीं है आपके पास तो कोशिश कर रही है कि जाना है और जिस तरह भी है अगर आपने खेत को पानी लगाया हुआ है तो फिर ये बहुत जल्दी फैलेगी और बारिश से भी बहुत जल्दी फैलती है तो आप कोशिश करें अगर आपने खेत में पानी लगाया तो फिर तो आपको ड्रेंजिन करनी पड़ेगी आप फजी साइड लाया लाएंगे और आपको एक एक पौधे की जड़ में और ऊपर से नहलाते हुए इसको जड़ की तरफ आपने पानी देना है ताकि ये नीचे जड़ तक इसका पानी उतर जाए अगर नहीं तो आप फिर आपने पानी लगाना है तो फिर आप कोशिश करें पानी लगाएं और साथ में ही नके पे ये दवाई रख के इसको सारे खेत में इस दवाई को फ्लड करें अच्छा इस बीमारी को हमने कंट्रोल कैसे करना है कंट्रोल करने के लिए जी मार्केट में एक ही जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो बेस्ट है इसके लिए और ये बैक्टीरियल इशू है तो आपको इसके लिए बैक्टीरियासाइड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉपर बेस फनजीसाइड भी काम कर जाते हैं लेकिन उसका कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं आता अगर आप बैक्टेर साइड के साथ मिक्स करके करेंगे तो फिर आपका कंट्रोल जल्दी हो जाएगा पीछे तस्वीरें मैं लगा दूंगा आप देख सकेंगे कि कौन से बैक्टेर साइड इसमें काम करते हैं बेस्ट इसमें जो है वो कासों है और वो आपको अरिस्टा अरेस्टालाइवसाइटिन से, से कास कासोमिन के नाम से मिल जाएगा वो है अगर मिलता है तो वो 500 हंड्रेड की बोतल में मिलता है वो आप लाएँ और उसको फ्लड करें साथ साथ कोशिश करें कि स्प्रे भी करें और अगर आपकी एक पट्टी में ये मसला है तो दूसरी पट्टी को मत छोड़िएगा उसमें भी फ्लड करें ताकि ये मसला फैले नहीं वो है वो फैल जाते हैं बहुत जल्दी फैल जाते हैं फिर आपको मसला दूसरे खेतों में भी आ सकता है दूसरा ये है के एक खेत में अगर मसला आ रहा है तो दूसरे खेत में उसके औज़ार मत इस्तेमाल करें तो फिर भी ये फैलती है और इसके अलावा जो इसके दूसरे मार्केट में फनजी साइड में अवेलेबल हैं वो मिक्सचर फॉर्म में अवेलेबल हैं जिसमें कासूकामाइसिन प्लस कॉपर बेस जो है ना फार्मोलेशन फर, मार्केट में अवेलेबल हैं आ, कुछ आ, ऐसे बैक्टे साइड भी मौजूद हैं जो आ, न, है तो वो बैक्टेरी लेकिन उनका जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो हैं तो आप कोशिश करें कि कासोगा मायसिन ही इस्तेमाल करें अगर आपको कासोगा मायसिन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप देख लें यह दूसरा एक फर्जी है ज़राफ़ के नाम से मेरा ख्याल है इसका नाम है और इसके इस तरह के रिलेटेड और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्जी ऐसे बैक्टेरी अवेलेबल हैं जो मिक्सचर फॉर्म में हैं तो आप कोशिश करें उनको अवेलेबल करें जिस तरह भी हो लाजमी करें क्योंकि ये बीमारी अगर आप इसको आज के आज स्प्रे नहीं करेंगे आज के आज इसमें फ्लड नहीं करेंगे तो ये बीमारी आपके पूरे खेत में बहुत जल्दी फैल जाएगी और जिन पौधों को ये बीमारी एक दफ़ा लग गई हो वो बीमारी उनको रिकवर नहीं होती आपने कोशिश करनी है अगर खेत में आपके आ, फैल रही है तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड या फन बैक्टरीसाइड का इस्तेमाल करें आ, तस्वीरें मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बैक्टरीसाइड और कौन से ब्रांड्स में अवेलेबल है बाकी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे कोशिश करें अगर कमेंट्स करें अगर कोई मसला आ रहा है तो व्हाट्सएप मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें मुझे ये मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह उसका हल भी ढूंढेंगे और दूसरे भाइयों के साथ भी उसकी वीडियो शेयर करेंगे तो हम याद रखें इंशाल्लाह अपनी वीडियो साथ बारह तब तक के लिए वालेकुम